हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। हम लोग टेडो फाइटा पढ़ रहे थे, बीच में कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो लास्ट इसमें बचा रह गया था मार्सिलिया। आज हम लोग मार्सिलिया को देख लेते हैं, इसके बाद हमारा टेडो फाइटा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो मार्सिलिया बहुत ही छोटा टॉपिक है, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए मार्सिलिया। मार्सिलिया को साधारण तौर पर वाटर फर्न के नाम से भी जानते हैं, या इसी को पेपर वेट के नाम से भी जाना जाता है। आप अपने आसपास में जहाँ पे नालियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर कुछ इस तरीके का पौधा देखा होगा कि जिसमें कुछ पत्तियाँ इस तरीके से आपको दिखती हैं, तो यही प्लांट मार्सिलिया होता है। काफ़ी कोमल होता है और नालियों के आसपास घास फूस के रूप में ये उगा हुआ होता है। तो जो मार्सिलिया का प्लांट है, इसका कॉमन नेम, पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहीं से मिल जाता है कि इसे साधारण तौर पर किस नाम से जानते हैं, तो इसे वाटर फर्न या पेपर वेट के नाम से जानते हैं। इसकी लगभग 53 लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं और इसकी 10 स्पीसीज फॉसिल्स के रूप में मौजूद है या जीवाश्म के रूप में है। इसका जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो तीन भाग में डिवाइड होता है, पहला है राइजोम, दूसरा है रूट और तीसरा है लीव। यहाँ पर राइजोम स्टेम नहीं पाया जाता है, स्टेम के स्थान पर यहाँ पर राइजोम होता है, रूट होती है और लीव या पत्तियाँ होती हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, जो पत्तियाँ होती हैं वो पेटियोल्ड होती हैं, इसके अलावा कंपाउंड होती हैं। पेटियोल का मतलब है कि पत्तियों में एक लंबा सा डंठल पाया जाता है, जैसे ये स्टेम है, स्टेम तो होता नहीं, राइजोम होता है, तो ये राइजोम है, राइजोम से पहले एक डंठल निकलता है, फिर इस पर जाके ये पत्तियाँ इस तरीके से अरेंज होती हैं, तो इसी को बोला जाता है पेटियोल, इस संरचना को बोला जाता है पेटियोल। तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पेटियोल्ड होती हैं। अगर जिन प्लांट की पत्तियों में ये पेटियोल नहीं पाया जाता है तो उसे सेसाइल कहते हैं। जैसे आपने जो लाइकोपोडियम और सिलेजनेला पढ़ा था, तो वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं वो सेसाइल होती हैं, लेकिन मार्सिलिया में जो पत्तियाँ होती हैं ये पेटियोल्ड होती हैं। इसके बाद कंपाउंड होती हैं, संयुक्त होती हैं, मतलब कि ढेर सारे पैरफलक एक साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पैरफलक हैं ये पैरफलक आपस में जुड़ करके एक पत्ती बना रहे हैं, तो इसी कंडीशन को कंपाउंड बोला जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि द लेमिना है 4 लीफलेट, इसमें लेमिना में जो है 4 लीफलेट मौजूद होते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा है एट द बेस ऑफ पेटियोल मेनी बीन शेप्ड आर ओवल स्टाक्ड स्पोरोकार्प आर प्रेजेंट। स्पोरोकार्प का पाया जाना, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इनमें से किस पौधे में स्पोरोकार्प मौजूद होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मार्सिलिया। जो भी एक्वाटिक टेडोफाइट होते हैं उनमें स्पोरोकार्प देखने को मिलता है, तो स्पोरोकार्प जो है ये मार्सिलिया में पाया जाता है, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। आगे अभी आपको इसकी लाइफ साइकिल में ये चीज़ें समझाई जाएंगी। इसके बाद इंटरनली राइजोम हैज मेनी एयर चैम्बर्स इन द कार्टेक्स। जो इसका राइजोम होता है, अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो ये तो इसका स्टीलर रीजन हो गया, जिसमें आपके जाइलम फ्लोएम में सब संरचनाएँ होती हैं, बाहर एपिडर्मिस हो गया और कार्टेक्स हो गया। इसके बीच बीच में यहाँ पर इस तरीके से संरचनाएँ पाई जाती हैं चैन नुमा, इन्हीं संरचनाएँ को कहा जाता है ट्रैबिकुली। तो यहाँ पर इसके राइजोम में ट्रैबिकुली नाम की संरचना पाई जाती है, जो कि चैन टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है इसके कार्टेक्स में। एक चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मार्सिलिया में स्टील कैसा होता है, तो इसका स्टील एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील होता है। एम्फीफ्लोइक का मतलब होता है कि स्टील के दोनों तरफ या जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद हो, साइफोनो स्टील का मतलब है कि बीच में पिथ मौजूद होता है, फिर जाइलम को चारों तरफ से दोनों तरफ से फ्लोएम घेरे रहता है। कुछ ये कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ ये बीच में पिथ हो गया
इसके बाद यहाँ पर ये फ्लोएम पाया जाएगा, फिर ये बीच में जाइलम की कंडीशन होती है, ये जाइलम हो गया, इसके बाहर फिर से एक लेयर फ्लोएम पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए बीच में ये जाइलम है, अंदर भी फ्लोएम की लेयर है, बाहर भी फ्लोएम की लेयर है, तो दोनों तरफ इसका जाइलम फ्लोएम से घिरा होता है। इस प्रकार के स्टील को एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहते हैं। तो यहाँ पर मार्सिलिया में ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो स्टील होता है वो एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहलाता है। इसके बाद इसके जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो मल्टीफ्लेजिलेट होते हैं, स्पायरल होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि मार्सिलिया के जो एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं वो मल्टीफ्लेजिलेट और स्पायरल होते हैं। मार्सिलिया एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है। इसके पहले आपने जो पढ़ा था तो सिलेजिलेला में आपने हेट्रोस्पोरस कंडीशन पढ़ा था, लाइकोपोडियम ने आपने होमोस्पोरस कंडीशन पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए मार्सिलिया एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है, अर्थात इसमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। इसमें जो स्पोर का डेवलपमेंट है, स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट केवल पर्टिकुलर एक ही सेल से होता है, जबकि आपने वहाँ पर पढ़ा था लाइकोपोडियम में कि वहाँ पर यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट पाया जाता था। मतलब कि स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है वो एक ग्रुप ऑफ सेल से होता है, कई कोशिकाएं मिल करके उसका निर्माण करती हैं। यहाँ पर देखिए एक स्पोरोकार्प का ये फिगर बना हुआ है, स्पोरोकार्प का ये स्ट्रक्चर है। स्पोरोकार्प में सबसे नीचे एक स्टाक होता है जिसे हम हिंदी में ब्रंथ के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये निकला हुआ जो बीन शेप संरचना आप देखते हैं ये इसका बॉडी कहलाता है। तो ये बॉडी है, जहाँ पर ये स्टाक और बॉडी आपस में मिलते हैं उस संरचना को रैफी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रैफी किसमें देखने को मिलता है, तो मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में रैफी पाया जाता है। और इसका जो रैफी है ये ऊपर जा करके कुछ ऐसे गड्ढेनुमा संरचना बना लेता है, तो इसको हम ट्यूबरकल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से जो तीन चार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्सिलिया से, एक तो इसका कॉमन नेम पूछा जाता है, दूसरी चीज़ इसमें स्पोरोकार्प पूछा जाता है किसमें पाया जाता है, इसमें स्टील कैसा होता है ये पूछा जाता है, इसमें जो एंथ्रोजॉइड हैं वो कैसे होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस है या होमोस्पोरस ये पूछा जाता है, फिर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसा होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट या यूस्पोरेंजिएट ये पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। कभी कभी ये ट्रेविकुली भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके स्टेम में हमें ट्रेविकुली देखने को मिलता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो जलीय प्रजातियाँ होती हैं उन्हीं में हमें ट्रेविकुली या एयर चैम्बर्स देखने को मिलता है। तो मार्सिलिया भी एक जलीय प्लांट है, तो इसमें ट्रेविकुली मौजूद होगा। इसके बाद इसका हम लाइफ साइकिल अगर देखें तो इसका जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, अर्थात ये डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। इस स्पोरोफाइट में ये स्पोरोकार्प मौजूद होता है, तो स्पोरोकार्प भी यहाँ पर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इस स्पोरोकार्प पर मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम दोनों मौजूद होते हैं, तो मेगा स्पोरेंजियम से मेगा स्पोर बनता है और माइक्रो स्पोरेंजियम से माइक्रो स्पोर बनता है। क्योंकि मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट जो है वो मियोसिस के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ से मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉयड हो जाते हैं। फिर मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रो स्पोर जो है ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है। फिर यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनियम बनेगा और मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम बनता है। इसके बाद आर्चिगोनियम में यहाँ पर एग बनेगा विंटर में और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं। फिर एग और एंथ्रोजॉइट दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो ऊ स्पोर बनता है। चूँकि यहाँ पर ये दोनों हैप्लॉयड हैं और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ऊ स्पोर यहाँ से डिप्लॉयड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गैमेटोफाइट प्रावस्था समाप्त हो जाती है और फिर से स्पोरोफाइट प्रावस्था चालू हो जाती है। ये ऊ स्पोर यहाँ पर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके मार्सिलिया का एक नया प्लांट बना देगा।
तो यहाँ पर देखिए स्पोरोफाइट प्रावस्था और गैमेटोफाइट प्रावस्था। तो आपने पढ़ा है कि टेडोफाइटा में स्पोरोफाइट प्रावस्था लंबी होती है और डोमिनेंट होती है, जबकि गैमेटोफाइट प्रावस्था शॉर्ट होती है और ये डोमिनेंट नहीं होती है, रिसेसिव होती है। इसमें जो अलैंगिक जनन है वो ट्यूबर्स और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। यहाँ पर मार्सिलिया के स्पोरोफाइट में जो ट्यूबर्स बनते हैं वही ट्यूबर्स जर्मिनेट करके फिर से एक नया प्लांट बना लेते हैं, या फिर इसका जो राइजोम है वो कई पार्टों में टूट जाता है और प्रत्येक पार्ट यहाँ पर अंकुरित होकर के एक नया प्लांट बना लेता है। तो इस तरीके से मार्सिलिया आज समाप्त हुआ और मार्सिलिया के साथ साथ में टेडोफाइटा भी हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।